और इधर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह ने कहा कि विनेश और बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने मेरे खिलाफ साजिश रचने का इनाम दिया है, ऐसे में लोग तो सवाल करेंगे। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रजभूषण को मीडिया से बात न करने की सलाह दी है। मुझे एक बार बताइए, वो महिला पहलवानों का आंदोलन था, उसकी अगुवाई कर रही थी, वो कांग्रेस में चली गई, तो फिर इसमें ऐतराज क्या है? कोई नहीं, कोई ऐतराज नहीं, इसमें ऐतराज की कोई बात बनती नहीं, उनका हक है, वो चली गई। लेकिन कुछ सवाल तो जनता पूछेगी, फिर आपने इतना बड़ा ड्रामा क्यों खड़ा किया? और आज भी आप जो प्रचार कर रही हैं, बयान दे रही हैं कि मैं महिलाओं बहन बेटियों की सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ, किस बहन बेटी की सॉरी सम्मान की लड़ाई आप लड़ रही हैं? एक फैमिली एक अखाड़ा, क्या हरियाणा में केवल आप कुश्ती करती हैं? क्या हरियाणा के अलावा और कहीं कुश्ती नहीं होती है? 5,000 बच्चे कम से कम हरियाणा में कुश्ती करते हैं, महाराष्ट्र में महिलाएं कुश्ती करती हैं, हिमाचल में करती हैं, पंजाब में करती हैं, यूपी में करती हैं, झारखंड करती हैं, बंगाल करती हैं, देश के हर प्रांत की लड़कियां पहलवानी करती हैं, और केवल आपके साथ हुआ? हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा है। इस बीच आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने भी बड़ा बयान दिया। कांग्रेस ने कहा कि सीटों पर मोहर जल्द लग जाएगी। हरियाणा में सीटों के बंटवारे को लेकर खुद आप सांसद राघव चड्ढा हरियाणा कांग्रेस चुनाव प्रभारी दीपक बावरिया के साथ मंथन कर चुके हैं, लेकिन इस बीच आप सांसद का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। देखिए, अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है, 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे, और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अभी देखिए, मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को हराना मकसद है और आपके साथ बहुत जल्द बात बन जाएगी। हरियाणा के जनता ने एक संकल्प ले लिया है कि भाजपा को हराना है, और जनता के इस संकल्प को हम सर आंखों पे लेकर संघर्ष करके जीतेंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटों की मांग की और 10 सीटों के नाम भी बता दिए। ऐसे में सहमति बनने के बाद ही कांग्रेस नई सूची जारी करेगी। और भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने मन से लिया है। मित्तल ने यह सफाई दी कि उन्होंने बीजेपी से टिकट की मांग नहीं की थी। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं। मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। मित्तल ने कहा कि मैंने ये भजन बीजेपी के लिए नहीं गाया था, बीजेपी ने मेरे भजनों का इस्तेमाल किया है। कन्हैया मित्तल अपने भजन और गायकी में दुनिया भर में मशहूर हैं। जो राम को लाए हैं भजन लोकप्रिय हुआ, यूपी चुनाव में जो राम को लाए हैं भजन प्रसिद्ध हुआ। 7 साल की उम्र से भजन गाना शुरू किया, राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्म हुआ, बाद में परिवार चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ, अब राजनीति में एंट्री कर सकते हैं।